जो अपने दिल्ली से बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर यहाँ लागू कर सकते हैं तो पूरी कोशिश करें, अपने कलीग्स का पूरा सपोर्ट लेंगे और वकीलों से भी पूरा सपोर्ट मांगेंगे। देखिए अब लैंड के मामले में आप कैसे कह सकते हैं, मतलब किस प्रकार के, ये देखना पड़ेगा ना कि ये जो अभी नया अधिनियम आया इसके सेक्शन 21 के रिलेटेड हैं या बाउंड्री डिस्प्यूट्स के हैं या टाइटल डिस्प्यूट्स के हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों इतने सिविल कोर्ट्स में है, क्योंकि ये तो नॉर्मली रेवेन्यू कोर्ट्स में हो जाने चाहिए। देखिए अब लोक अदालत में तो आप ये जानते हैं कि आप किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते जी, तो कंसेंट से ही आते हैं लोग और उस प्रकार के केस देने पड़ेंगे नेशनल लोक अदालत में जो गिव एंड टेक के भाव से सॉल्व होते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि पहली बात तो ये है कि क्या लोगों को लोक अदालत के बारे में मालूम भी है। राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग ने आज शपथ ग्रहण की। राजभवन में एक सादगी भरे समारोह में उन्होंने शपथ ग्रहण की। राज्यपाल कल्याण सिंह ने उन्हें शपथ दिलवाई। मुख्य सचिव ओपी मीणा ने राष्ट्रपति का वारंट पढ़ा और उसके पश्चात प्रदीप नंद्राजोग ने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बात करते हुए नंद्राजोग ने कहा कि राजस्थान में सबसे मिलजुल कर और पारदर्शिता के साथ कार्यप्रणाली अपनाएंगे, वहीं दिल्ली में अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेज को भी यहां अपनाया जाएगा। इसके साथ ही वकीलों के साथ और सभी के साथ मिलकर काम किया जाएगा और सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि पेंडेंसी कैसे कम की जाए इस पर काम किया जाएगा। पत्रिका टीवी के लिए राजभवन से ये